हाँ तो दोस्तों, अभी क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हुई, उस विषय में बात करेंगे। तो अभी तो ये जो इसका टैंक है, इसको इस जगह फिटिंग किया है, अभी पैसे अटका रखा है, धीरे धीरे इसका फाइनल करेंगे। और ये कुछ इस तरीके से लगेगी, इसमें यहाँ पाइप लगेगी और यहाँ इसको क्लिंप कर देंगे। एक तो ये इस तरीके से लगेगी। अब दिक्कत हमारे इसमें ये आ रही है, हमारा जो मेन पंप है ये वाला जो हाइड्रोलिक ऑपरेट करता है, उसमें हमारे ये दिक्कत आ रही है। ये जो पाइप है ये इस जगह लग रही है, और इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस खत्म करना है और एक इसका समाधान करना है। एक उधर से जो पाइप आएगी स्टीयरिंग, उसका समाधान करना है। निकाल लो इसका सामान। तो अभी इसकी जो स्टीयरिंग यूनिट है वो हमारे पास आ चुकी है, और इसका ब्रैकेट और इसका आराम, ये तीनों चीज़ें तो हम इसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर चलेगा। हमारे मेन दिक्कत पाइपों में आएगी, जो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो मेन दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ पाइपों में है। तो ये पाइपें हमें एडजस्ट करनी है। कितनी MRP ब्रेकेट की? MRP है इसमें 3435 36। ठीक है, स्टीयरिंग की MRP है इसमें 19,030 रुपये, और आरम की MRP है 2528 रुपये। ये इसकी MRP है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। सब सामान ओरिजिनल है, स्वराज कंपनी जो ट्रैक्टरों में लगा के देती है वो चीज़ें हैं। बाकी बनाती इसको ZF है, पर ZF से हम मंगाते नहीं है, क्योंकि कंपनी किस मार्फत से इनको बनवाती है, क्या उनका प्रोसीजर है। तो ये ZF कंपनी बनाती है, इसमें मार्का भी दिया हुआ है शायद मेरे हिसाब से कंपनी ने। ये ZF का मार्का है, ZF इंडिया, ये इसके पार्ट नंबर होंगे। और ये इसका ब्रेकेट है, किस तरीके से लगेगा वो दिखा देंगे आपको, किस तरीके से लगेगा। बाकी समस्या इसमें तो कुछ आनी नहीं है हमें, इसमें कुछ समस्या नहीं आनी है, इसको इसमें फिटिंग कर देंगे। और मैनुअल तो ये कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैनुअल पहले था वैसे मैनुअल तो कंप्लीट हो जाएगी। पर हमें इसमें ये डब्बी लगा के इसको कनेक्शन करना है। मेन प्रॉब्लम हमें इसी में आनी है, ये इसकी पुरानी स्ट्रिंग हमने निकाली जो जो इसमें लगी हुई थी मैनुअल स्ट्रिंग। आरएम भी इसमें सेम वैसे ही है, पर इसमें जो झीरी रहती है इसमें झीरियों में अंतर आता है, तो वो लग नहीं पाता है। कंपनी ने उसे भी चेंज करा है, तो उसको फिटिंग कर लेते हैं। बाकी हमारी जो टैंक है इसको भी फिटिंग किया है, फिलहाल इसको इस तरीके से फिटिंग किया है और इसको मजबूत करेंगे। धीरे धीरे सब सेटअप होता जाएगा, तो इनको फिटिंग कर लेते हैं। ये भी स्ट्रिंग हमारी किस तरीके की रहती है, इसमें क्या क्या लगेगा वो भी दिखा देंगे। ये ब्रैकेट इसमें लग जाएगा, तीन इसके नट भी चाहिए हमें, ये ब्रैकेट में लग जाएगी कुछ इस तरीके से। और ये आराम इसमें लग जाएगा, इसमें भी ZF का मार्किंग होगी मेरे हिसाब से। दो पाइप इसमें लगेगी, एक इसमें लगेगी पाइप, एक इसमें लगेगी पाइप, तो वो भी लगाएंगे। पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी पाइपों को देखते हैं कि पाइप में किस तरीके से फिटिंग होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो आएगी पाइपों में, ऐसा नहीं है, पाइपों में प्रॉब्लम आनी है, पर उनका समाधान निकालेंगे। जैसे तैसे जैसा भी होगा पाइप बना के लगाएंगे, या उनको बेंड वगैरह दे के लगाना पड़ेगी, जो भी होगा देख लेंगे। एक बार इनको फिटिंग कर लेते हैं, फिर कंप्लीट करने के इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कटिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है। मेरे पास ज़्यादातर कमेंट ये आते हैं कि स्ट्रिंग तो हमने कंप्लीट डलवा ली, पर उसकी जो कटिंग है वो पूरी नहीं हो रही, तो वो भी दिखा देंगे आपको। पहले एक बार इसको मैं फिट कर लेता हूँ। स्टीयरिंग है, मैनुअल भी है और पावर भी है, दोनों है। इसमें कंपनी ने ऐसा सिस्टम दिया है, मैनुअल भी है और पावर भी है, और ये सिर्फ मैनुअल है। जैसे ही हम इसमें पाइप वगैरह लगाएंगे तो ये पावर हो जाएगी। इसके दो सॉकेट दिए हैं, इनलेट आउटलेट दोनों इसमें सॉकेट दिए हैं। और ये इसका आराम है, आराम भी सेम है, कंपनी ने जो आराम दिया है ये भी आप देख लो, इसकी बनावट वगैरह बिल्कुल सेम है। पर इसका जो ये गाला है, मतलब ये छेद है, ये थोड़ा डाउन है, और ये वाला थोड़ा
मोटी साइज का है, तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें लगेगा नहीं, तो ये यहीं से हमें असेंबली चेंज करना पड़ेगी। और इसको इस तरीके से बनाया है, ये ऐसे प्लेट वगैरह कुछ नहीं दिए, इसलिए हमें इसमें ये ब्रेकेट अलग से मंगाना पड़ता है, और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी, ऐसे फिटिंग होएगा ये इस तरीके से फिटिंग हो जाएंगे, 3 इसमें नट कसा जाएंगे। अब ये इसकी जो प्लेट है, ये प्लेट कंपनी ने अलग से बना के लगाई है, तो इसको फिटिंग कर लेते हैं। बाकी मेन सामान तो इसमें 3 यही है, और इसका हाइड्रोलिक पंप है। पंप तो अभी हमने पुराने सेट किया है, ताकि हम इसका एक बार अच्छे से कनेक्शन जमा लेते हैं, सारा सिस्टम देख लेते हैं। वैसे पंप चालू है, इसी कारण से चेंज करवाया था इसको, तो पंप चालू है, तो अगर हमें लगा तो इसी पे एक बार इसको चालू करके देख लेंगे। बाकी इसमें पंप नया डालेंगे, और ये इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। पर समस्या वहाँ आ रही है कि हमारी जो पाइप है, जो कंपनी देती है, वो तो मिल नहीं पाया सारा जुगाड़, तो कुछ ना कुछ तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ेगा हमें, तभी जाके इसकी एक्यूरेसी आएगी। कोशिश तो हम ये करेंगे कि बिल्कुल इसमें एक्यूरेसी रहे, फिर देखते हैं इसका कैसा लुक आता है, वो आपको बताएंगे। तो आज क्या काम होता है वो हम कल बताएंगे आपको, कि आज दिन भर में क्या क्या काम काम करते हैं, और क्या क्या इसमें चीज़ें फिटिंग हुई। कल हमने इसको खोला, पंप लगाया, ये पाइप लगाई, इस पाइप को लगाया हमने, ये बाटल है ऑयल वाली, ये सेट करी। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या और कंप्लीट करते हैं। सामान हमने आपको बता ही दिया कि क्या क्या सामान इसमें लगेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होगी। तो स्ट्रिंग वैसे शोकर लेस है, तो बहुत अच्छी है, मैनुअल भी काम करती है, पावर भी काम करती है, तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगी। फिर बताते हैं आपको कंप्लीट करके, वीडियो पूरे देखना, कल भी मैंने एक वीडियो डाला है, आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो वीडियो पूरा देखना है, सारे वीडियो देखना, तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। खर्चा वगैरह सब बताएंगे, क्या क्या हमें प्रॉब्लम में आई वो भी बताएंगे, तो वीडियो सारे देखना। धन्यवाद।